फाइनली प्रशांत नील और मेकर्स ने स्मैशी ब्लॉकबस्टर केजीएफ के चैप्टर 3 को बनाने का गर्मा गर्म मूड बना लिया है। पर दिल को ऑर्गेज्म देने वाली बात यह है कि रॉकिंग स्टार यश की केजीएफ चैप्टर 3 रेबल प्रभास के सलार के सीक्वल से पहले ही फुल फोर्स के साथ सिनेमैटिकली पूरे वर्ल्ड पे कॉन्कर करने के लिए फ्लोर पे जा रही है। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि रॉकिंग स्टार यश की दुनिया चाहिए वाली ब्लडी केजीएफ चैप्टर 3 का जमाने से इंडिया का बच्चा बच्चा गर्म तवे पर बैठ के वेट कर रहा है। तो फाइनली सबर के बांध को तोड़ने वाली ये स्पाइसी अपडेट आई है कि रॉकिंग स्टार यश और प्रशांत नील के भौकाल से भरे कोलैबोरेशन के अंदर बन रही केजीएफ का चैप्टर 3 पूरे एक्साइटमेंट के साथ 2024 में फ्लोर पे जा रही है, जहां पर फाइनली प्रशांत नील के मास डायरेक्शन के अंदर बन रही केजीएफ के चैप्टर 3 के अंदर रॉकी द मॉन्स्टर का वो फ्रीकिंग अवतार हमें देखने को मिलेगा, जिससे राजा कृष्णप्पा बैरिया यानी रॉकी भाई वर्ल्ड को कॉन्कर करके दुनिया जीतने वाला वादा पूरा हो जाएगा। बट दिमाग के अंदर बम फोड़ने वाली बात यह है कि केजीएफ का चैप्टर 3 टेक्निकली भौकाल से भरे चैप्टर 2 की कोई सीक्वल मूवी नहीं होने वाली है। ये बात इंडिया के हर पॉप कल्चर एंथुसियास्टिक को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि चैप्टर 3 की फकिंग टाइमलाइन ऑफिशियली 1978 से लेके 81 तक की है। और साथ ही ये बात तो हर लौंडे को पता होगी कि चैप्टर 2 के अंदर 3 साल का मिस्टीरियस टाइम जंप लिया गया था। तो दिमाग में कीड़े दौड़ाने वाला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि रॉकी द मॉन्स्टर के आइकॉनिक कैरेक्टर ने 78 से लेके 81 तक की टाइमलाइन में उन 16 इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर ऐसे कौन से कांड किए जिस वजह से बंदे की सुपर क्राइम हिस्ट्री यूएसए के सीआईए के फाइल्स में गोल्डन अक्षरों के अंदर लिखा गया। और एग्जैक्टली यही रॉकी द मॉन्स्टर का सांसें रोक देने वाली हिस्ट्री और 16 कंट्रीज के एक्शन से भरे एडवेंचर को अपने प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए केजीएफ चैप्टर 3 को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि केजीएफ चैप्टर 2 के गूज़बम्प्स देने वाले क्लाइमेक्स से पहले जितने भी माधुरनीय कैरेक्टर्स और विलन्स मूवी के अंदर मर चुके हैं वो सारे के सारे मूर्ति अपने कब्रों को खोदकर फिर से अल्टीमेटली जिंदा हो जाएंगे केजीएफ के चैप्टर 3 के लिए। और स्पेशली मैं अधीरा को देखने के लिए चैप्टर 3 के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उन 3 सालों के अंदर ये वाइकिंग वॉरियर क्या कर रहा था उस चीज को मुझे डीपली जानना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से केजीएफ का चैप्टर 3 ऑफिशियली एक बॉम्ब ब्लास्टिंग मिस्टीरियस प्रीक्वल मूवी होने वाली है, जिसमें सीआईए के फाइल्स के अंदर किए गए रॉकी भाई के सारे कांड हमें देखने को मिलेंगे। बट इसके अलावा और भी चरम सुख देने वाली गुड न्यूज ये है कि अब माहौल में रंग जमाने वाले चटपटे रूमर्स की माने तो रेबल प्रभास के सलार के सीक्वल से पहले ही केजीएफ का चैप्टर 3 2024 के अक्टूबर के एंड में फ्लोर पे जाएगी, क्योंकि इसके पीछे का माइंड को शेक कर देने वाला लॉजिकल रीजन ये बताया जा रहा है कि प्रशांत नील ने प्रभास के साथ मिलकर सलार के वॉयलेंस से भरे सीक्वल के मेजर पार्ट्स की शूटिंग ऑलरेडी बिग स्केल के साथ निपटा दिया है, जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि सलार के सीक्वल के लिमिटेड पोर्शन की ही शूट बचा है, जिसे बहुत ही जल्दी निपटा दिया जाएगा। और रही बात भौकाल से भरे केजीएफ चैप्टर 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट की, तो प्रोबेबली ये मोस्ट अवेटिंग मूवी 2025 के एंड में या फिर 2026 के मिड तक वर्ल्ड वाइड रिलीज हो सकती है, जिसमें ऑफ कोर्स केजीएफ के चैप्टर 3 में यूएसए के सीआईए के साथ आंखों को फाड़ के रखने वाली मर्सीलेस रॉकी द मॉन्स्टर की इपिक स्टोरी को देखने के लिए तुम रेडी हो या नहीं, क्योंकि इस बार रॉकी द मॉन्स्टर फाइनली दुनिया जीत ही लेगा और दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनकर अपने माँ के वादे को पूरा भी करेगा। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।